जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड बाय 100 रन्स, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप 2023। ये जो मैच था वो बढ़िया था। मतलब थोड़ी देर तो ऐसा लग रहा था कि मतलब इस वाला मैच जितना भारत को मुश्किल हो सकता है ऐसा लगा था, लेकिन चार ओवर होने के बाद जो इजी कर दिया मैच वो सबसे बढ़िया था। और जो खेले प्लेयर हमारे बुमराह, शमी एंड रोहित शर्मा, उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो भी वीडियो देख रहे हैं हमारे प्यारे व्यूअर उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन और साथ में हमको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। इंग्लैंड को अच्छे से धोया, अच्छे से धोया, 100 रनों से धोया, ऐसा ही बोल दो और तो क्या बोले। चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते। फोड़ दिया है, 100 रनों से फोड़ दिया है। और इस तरीके से टीम इंडिया लखनऊ में, जिस तरीके से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया, वो बच्चे परेशान भी है, कह रहे वासिफ भाई फिर सेमीफाइनल से पहले हारेंगे नहीं तो डर लग रहा है। इंग्लैंड को इससे ज्यादा करीब की जीत ना मिले तो आप मैंने कहा था एक सेंचुरी आई बॉलिंग अटैक, असली नंबर वन बॉलिंग अटैक। क्या बॉलिंग की, क्या पैशन था, क्या जज्बा था, क्या कप्तानी थी, क्या टीम यूनिटी थी, क्या एनर्जी थी। और भाई साहब इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, एक लीथल इंडिया ने अपनी बॉलिंग की हॉस्पिटैलिटी के साथ इंग्लैंड को यहाँ ना सिर्फ ये 100 रन से मैच हराया, एब्सोल्यूट क्रश कर दिया। इंडिया फाइनल में भी पहुंच चुका है और फाइनल का कप भी जीत चुका है। अच्छा। आपका सवाल ये होना चाहिए था, क्योंकि जिस लेवल का वो होमवर्क करके आए हुए हैं ना, जिस लेवल की उनकी स्ट्रेटजी है, जिस लेवल की उनकी मैनेजमेंट है, वो दिखता है कि भाई वो कुछ करके आए हैं, वो मेहनत करके आए हैं। ये भी मुझसे पूछ रहे थे तुमने 229 पे सेंचुरी किसकी बोल दी। हाँ। मैंने कहा पूरी इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड की टीम है, यानी ये 170 नहीं कर सकेंगे। नहीं नहीं, वो देख लो 100 रन से जीत गया इंडिया, और क्या चाहिए, मतलब सेंचुरी हो गई। लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी सवेरा, इन दोनों ने जो आज अपनी पेस अटैक दिखाया है, दैट वाज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू वॉच। पीच ऑफ अ डिलीवरीज, व्हाट अ ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन। अब भाई इंडिया ने ठोक दिया इंग्लैंड को, घंटा बजा दिया पकड़ के, 230 इंडिया की बॉलिंग लाइन आपने डिफेंड किया है। और भाई ओस भी पड़ी है, ट्यूब भी पड़ी है, उसके बावजूद इंडिया की बॉलिंग लाइन आपने पकड़ के घंटा बजा दिया, घंटा। ये बात है, इंडिया जो है ना वो वेल डिजर्व्ड है। इवन जितने भी जो लोग जो है ना वो कह रहे थे कि भाई जो है ना वो चार टीमें जो फेवरेट, मोस्ट फेवरेट टीमें थी, उनमें इंडिया का नाम जो है ना वो सबसे पहले जो है ना वो लिया जा रहा था, ठीक है। सो उसी तरह से आप ये देखें कि उनकी अभी तक जो है ना वो कंसेक्यूटिव जो है ना वो विक्ट्री चल रही है, उनका एक भी उन्होंने मैच जो है ना वो अभी तक जो है ना वो नहीं हारा है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अंग्रेजों को, इंग्लैंड टीम को भारत ने 100 रन से शिकस्त दे दी। बधाई हो सभी भारतीयों को। लास्ट टाइम इंग्लैंड ने हमें T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में हराया था 10 विकेट से, और हमें 2019 शायद जो वर्ल्ड कप था 50 ओवर उसमें भी हराया था इंग्लैंड ने, लेकिन फाइनली भारत ने 100 रनों के मैसिव मार्जिन से हराया इंग्लैंड को। एक बार फिर से बधाई हो सभी को। और दोस्तों मैं बता दे रहा हूं, अब 100% फिक्स हो गया, भारत क्वालिफाई कर चुका है सेमीज के लिए वर्ल्ड कप 2023 50 ओवर में। बहुत खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों बताता चलूं आप लोगों को, कल भिखारी सानी बड़ा जलन के हमारे कह रहे थे कि इंग्लैंड जीत जाए हमारे लिए अच्छा होगा, क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, इंग्लैंड इस गेम में बना रहेगा वर्ल्ड कप में। लेकिन भारत ने पाकिस्तानियों के भी मुंह पे जोरदार तमाचा बोला। कल शाहिद अफरीदी ने कहा था भारत हारेगी, कल जो है कामरान अकमल ने कहा था भारत हारेगी। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से, कामरान अकमल ने शायद कोई और थे, लेकिन मैक्सिमम पाकिस्तानी कह रहे थे भारत हारेगी, और मुंह पे तमाचा जड़ दिया भारत ने। 100 रनों की डिफीट, बहुत ही बड़ी डिफीट दी है इंग्लैंड टीम को, और दहाड़ते हुए भारत के शेर पहुंच चुके हैं वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। एक बार फिर से बधाई हो टीम इंडिया को और आप सभी को। हराया, एब्सोल्युटली क्रश कर दिया, इंग्लैंड को कमबैक करने का मौका नहीं दिया। और इसी के साथ इंडिया अब इस विक्ट्री के साथ 6 मैचों में 6 जीतों के साथ आराम से सेमीफाइनल की टॉप स्पॉट पे विराजमान होगी, और दूसरी टीमों का इंतजार करेगी कि अब और कौन सी टीमें अपना पत्ता टिकट कंफर्म करें और डायरेक्ट सेमीफाइनल में इंडिया को ज्वाइन करें। सो इंडिया इज थ्रू, दैट टू बिकॉज ऑफ ओनली क्वालिटी, टॉप क्वालिटी क्रिकेट सवेरा। क्या टॉप क्वालिटी, या आपकी एग्जीक्यूशन थी ऑफ योर स्किल्स, और अगर आपने यहाँ 229 रन बनाए तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जो होस्ट टीम है वो आपके करीब आ जाए। आपने बोला अगर इनको 229 रन के बाद भी हराएंगे तो इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे, इतने बड़े मार्जिन से हराएंगे कि वो भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। लेकिन ये होती है असली नंबर वन बॉलिंग अटैक सवेरा। क्या क्या कमाल था, क्या धमाल था। और मेरे ख्याल से
जितने भी आज लोग आज जिन्होंने इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी होगी दे विल बी एब्सोल्युटली शॉक्ड, और वो इंडिया का फैन जो मेरी एज ग्रुप का है उसके लिए तो ये ड्रीम है, क्योंकि इंडिया ने बैटर तो बहुत देखे लेकिन इस वक्त जो करंटली इंडिया की फास्ट बॉलिंग या पेस बॉलिंग अटैक है दैट इज नेक्स्ट टू नन, दे आर टू गुड, दे आर टू लीथल, दे आर टू होस्टाइल. Ali, this is how a team that is dominating this way in the World Cup should have done. Ye aaj challenge tha India ke liye. They batted first for the first time in this World Cup. Yes, batting ne disappoint kiya, 229 runs bane. Magar jab aapke kehte na scoreboard ka pressure nahi hota dusri team ke upar, to phir aap dusri kisam ka pressure dalte hain. That pressure was seen in the bowling, that pressure was seen in the fielding. Aapne fielding se, aapne bowling se, aapne captaincy se jo aapne pressure dala. एक एक विकेट पे जिस तरह सीनियर प्लेयर्स, क्या हुआ विराट कोहली जीरो पे आउट हो गए, कोई बात नहीं, फील्ड में जितनी एनर्जी और जितना पंप अप करके विराट कोहली ने पूरी टीम को रखा, आप एक जगह कंट्रीब्यूट नहीं करते तो आपके पास दूसरी जगह होती है कंट्रीब्यूट करने की, आप वहां कंट्रीब्यूट करके दिखाते हैं. यू टॉक अबाउट वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, दिस वॉज वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के आपने कांपे कांपे टंगवा दी, नहीं टांगे कपवा दी इंग्लैंड की. जिस तरह इस वक्त इंग्लैंड के बैटर्स जो हैं वो फंसे हुए थे, लग ऐसा रहा था ओहो भाई जल्दी आउट कर दिया है टीम इंडिया को, इंग्लैंड जो है ना यहां से इंग्लैंड कमबैक करेगी टीम इंडिया को हरा के और इस वर्ल्ड कप का पहला मैच हरा देगी, मगर नहीं, दे सेड नो प्रॉब्लम, अगर तो टारगेट कम है, अगर तो टोटल इंडिया की कारकर्दगी पर इंडिया ने आज इंग्लैंड को हरा कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है. देखें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, मेरे ख्याल से आपका सवाल ये होना चाहिए था कि इंडिया फाइनल में भी पहुंच चुका है और फाइनल का कप भी जीत चुका है. अच्छा। आपका सवाल ये होना चाहिए था क्योंकि जिस लेवल का वो होमवर्क करके आए हुए हैं ना, जिस लेवल की उनकी स्ट्रेटजी है, जिस लेवल की उनकी मैनेजमेंट है, वो दिखता है कि भाई वो कुछ करके आए हैं, वो मेहनत करके आए हैं और वो मेहनत करते हुए कंसिस्टेंसली वो जीत रहे हैं और वो आगे क्वालिफाई करते जा रहे हैं. क्या कहेंगे इंडिया की कारकर्दगी पर, मतलब इंडिया ने ऐसा क्या खा लिया कि इनका मोरल इतना ज्यादा हाई है, लगातार इंडिया अपने तमाम मैचेस जीतते हुए आ रहा है, एक मैच भी ऐसा नहीं है जिसमें इंडिया का कोई हमें लगा हो कि भाई ये मैच इंडिया हार जाएगा, हमेशा इंडिया बड़े अच्छे रन रेट से जीता और अच्छा टाकरे के साथ जीता है. देखिए मैडम पता नहीं ऑडियंस को इस बात का पता या नहीं कि चार साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप क्यों होता है, चार साल की वो स्पेस क्यों देते हैं, वो इस वजह से देते हैं कि चार साल आप ना मेहनत करो, जो पिछली कमियां रही हैं ना आप उनको खत्म करो और आगे आपके अंदर एक ह्यूज चेंज देखने को मिले, पता चले कि आप चार साल मेहनत करके आए हो. तो इंडिया की टीम को देखते हैं ना तो पता चलता है कि वो चार साल उन्होंने मेहनत की है, वो होमवर्क करके आए हैं, वो सारा का सारा अपना मैनेजमेंट, अपनी कैप्टनसी, अपनी बैटिंग, अपनी बॉलिंग, अपना वो रिजर्व, अपनी ईच एंड एवरीथिंग वो जो है ना कंप्लीट करके आए हैं, वो सारा फुलफिल करके आए हैं, इस वजह से वो हर मैच जीते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं. और मेरी उनके साथ बड़ी विशेज हैं, बड़ी गुड लक्स हैं उनके साथ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो स्पेशली उनका नया प्लेयर शुभमन गिल है जो उसके अलावा रोहित शर्मा है, उसको सबको ही पसंद होता है उसकी कैप्टनसी, जैसी मैनेजमेंट है उसकी. उसके अलावा विराट कोहली की बात कर लें तो वो मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है, तो मैं लिटरली बात आपको बताऊं कि मैं उसकी जो बैटिंग है ना मैं ऐसे टिक्के देखता हूं ना कि वो किस तरीके से खेल रहा है, वो कैसे शॉट लगा रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं उसकी ईच एंड एवरीथिंग देखता हूं. और विराट कोहली की बात करते जाए ना तो उसकी एज देखें, फिर उसकी शादी हुई है, वो हस्बैंड भी है और वो फादर भी है, लेकिन उस बंदे की फिटनेस देखें, वो बंदा कौन से पॉइंट पे खड़ा होकर फील्डिंग करता है जहाँ पे पूरे 50 ओवर के अंदर सबसे ज़्यादा बॉल आती है, उस बंदे का फिटनेस लेवल ये है. तो मेरे ख्याल से इंडिया का कोई कंपैरिजन है ही नहीं. मैं यहाँ पे विराट कोहली की बात, इधर हमारा ये घंटा, ये हमारा पिछली घंटा, इससे 350 नहीं डिफेंड होते, ये 350 चेज करवा देता है. इंडिया की बॉलिंग लाइनअप पता चल गया कि दुनिया की नंबर वन बॉलिंग लाइनअप है. मैं क्या कहा था अपनी वीडियो में, पिछले मैच में मैंने बोला था कि इंडिया की इस बॉलिंग लाइनअप के आसपास भी कोई नहीं भटकता, इस बॉलिंग लाइनअप के आसपास भी कोई नहीं भटकता, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का. माइकल वॉन तो भाई कोमे में चला गया, उसने तो सरफ खा लिया ना. अंदाजा लगाओ इंडिया की अप्रोच का, इंडिया की इंटेंट का, रोहित शर्मा की कैप्टनसी का. भाई उसने बता दिया है कि वो कप्तानी में भी सबसे आगे है. आज उसने क्रूशियल, मैं कहता हूं ये 200 वाली इनिंग्स थी जो उसने 86 की इनिंग खेली है ना, वो पकड़ के घंटा बजा दिया, घंटा बजा दिया है इंग्लैंड का, घंटा बजा दिया है इंग्लैंड का, घंटा बजा दिया है मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग. पापर बेटा बाहर आना जरा, तेरे से तो 280-290 भी डिफेंड. सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और मैच तो बढ़िया था,
कोई कमी नहीं दिखी, कोई कमी नहीं। हालांकि विकेट गई थी विराट कोहली की, शुभमन गिल मेरे को लग रहा है अभी भी मतलब बीमारी से बाहर नहीं आए उसने थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड किया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो बंदा नहीं खेला। फिर विराट कोहली, ये मैं रोहित की सोच बताता हूँ, कोई बात नहीं, विराट कोहली भी आओ जीरो में, कोई बात नहीं। मेरे को लग रहा है ये जो रोहित शर्मा है ना, ये बॉलर या बैट्समैन हो या फील्डर हो या कोई भी ऑलराउंडर हो, उसकी फिटनेस नहीं देख रहा है, ये ओनली वन नंबर काउंट कर रहा है। मैंने देखा है एक दो बार हरकतें उसकी देखी है, नंबर से गेम कैसे जीता जा सकता है वो रोहित शर्मा से सीख लो। और सबसे अच्छी बात है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सफल कप्तानशिप रोहित शर्मा पहुंचे हैं नंबर वन पे, तो उसके लिए रोहित शर्मा को कॉन्ग्रेचुलेशन, करीबन 76% उसको मिले हैं, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और भाई हमारे व्यूअर, प्यारे व्यूअर, आपको दिल भर के कॉन्ग्रेचुलेशन, और हमको खुद हम ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देते हैं। हमारी टीम मतलब अब तक 6 मैच खेली है, 6 जीती है, जो भी जितनी भी खेली सभी जीती है, लेकिन इस बार में कोई भी एक प्लेयर का ऐसा नहीं बोल सकते कि ये प्लेयर मतलब इसको क्यों लिया, इसको नहीं लेना चाहिए था, कोई भी मैच में नहीं। हालांकि शार्दुल ठाकुर का बोल रहे थे कि मतलब उसकी बॉलिंग में रन चाहते हैं ज्यादा, बट तो संभाल लेते हैं बैटिंग के दौरान विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, ठीक है, तो पिछले, बट कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ और बढ़िया तरीके से खेले। हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही मतलब वर्ल्ड कप आने तक वो लोग जीते, मतलब वर्ल्ड कप ले आए। और ओडीआई में 230 रन तो कोई मतलब, मैं बोलता हूँ कि अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान कोई भी टीम हो वो भी सेज कर लेती, और इसीलिए हम बोलते हैं कि 230 रन तो मतलब बहुत कम बोला जा सकता है, लेकिन स्कोर के हिसाब इंग्लैंड के सामने, मैंने सोचा था कि इंग्लैंड के सामने जितना हो तो मिनिमम 270 रन तो करने पड़ेंगे, लेकिन इतना विश्वास नहीं था कि इंग्लैंड जो है 229 इंडिया ने किया और 129 में इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। जितनी भी स्पिन बॉलिंग को फेवर करती हो, कोई भी स्पिन बॉलिंग को फेवर करते हो, लेकिन स्कोर मतलब 270 तक तो पहुंचता ही पहुंचता है कुछ भी करके, और पहुंचता, लेकिन विराट आउट हो गए, वो आउट नहीं हुए होते तो 200 नहीं 300 के पार जाता स्कोर, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से फॉर्म में है, और पता नहीं लास्ट 2 मैच से विराट की फॉर्म कहाँ चली गई है, आशा करते हैं जल्द से जल्द रिटर्न आ जाए। और जितने विराट इस मैच में सबसे ज्यादा, जब फील्डिंग की बारी आई भारत की, तब सबसे ज्यादा मेरे को खुश तो विराट ही थे, जब बॉलर विकेट लेता है तो उससे ज्यादा डबल खुश वो होता है, इतने उछल उछल के बट वो उसकी खुशी मतलब जाहिर थी, उसका रीजन था 0 पे आउट हो गए, तो मतलब बदला हो गया उसका भी, ऐसा समझ सकते हैं, जो मतलब भाई विराट भी पूरे फॉर्म में दिखे, सब बढ़िया खेले बढ़िया। हालांकि इस बार की वर्ल्ड कप में मैंने जो बोला ना कि कोई किसी प्लेयर ने हमें डिसअपॉइंटेड नहीं किया है, हालांकि थोड़ा कोई कोई बार मोहम्मद सिराज से हो जाता है करेक्ट, कोई बार फील्डिंग में या तो कोई बार मतलब बॉलिंग में, कोई दिक्कत नहीं, फिर रोहित नंबर काउंट कर लेंगे, भाई इसने इतनी फील्डिंग खराब की है, इतने रन जाने दिए, अब मैं उसका जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेटर वो चला देते हैं तो खबर है वो ज्यादा। जो भी हो, मैच बढ़िया था दोस्तों, वर्ल्ड कप फाइनल है हमारा, ये हम मानते हैं और आशा करते हैं कि इस बार का वर्ल्ड कप भारत में ही रहे। तो विराट जो रोहित शर्मा है, वो तीनों तीन फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीतने वाले और एशिया कप जीतने वाले और T20 कप जीतने वाले मतलब बन जाएंगे कप्तान, जैसे हमारे MS धोनी थे वैसे ही। तो दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।